ए जी एगो बात बोले, अगर हमार मैया मुँह देखी तोर मैया का तबियत खराब हुआ तो किन खराब जब मुँह देखें मेरा माँ का तबियत खराब है तो हम अपने माँ के पास नहीं तो मम्मी तो मरी गया है कैसे तो मेरे जाने से जिंदा नहीं होगी ये कोई बात हल है। अच्छा दोस्तों आप लोग बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या बोलते हैं कि हम अपनी माँ को देखने जाएंगे, हमारी माँ मुँह गई है आइए अपने माँ को देखने आएंगे। क्यों नहीं बताइए, एक बात बताइए, दोनों हमारी माँ ही हैं पर इनकी माँ जो है वो मर चुकी है और हमारी माँ सीरियस है कि देखने हम कहाँ जाएंगे। हमारी माँ का अर्थी उठाने, अर्थी उठाने जाए मेरी माँ तब तक मर जाए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ये बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं। सहमत हैं बहुत लोग दोस्तों, सहमत है देख सकते हैं। हमें शादी से पहले ही सवाल पूछा गया था, हम भी इनसे यही सवाल किए थे हमारी माँ सीरियस है और आपकी माँ मर गई है तो किसके पास जाइएगा। तो पता नहीं मेरा दिमाग में क्या चल रहा था, हम बोलती कि ये बोलती कि हम आपकी माँ के पास जाएंगे तो फिर हमको अच्छा लगा कि नहीं कम से कम ये समझदार है कि हमारी माँ के पास क्यों आएगी। फिर बाद में हम इससे सवाल किए कि तुम हमारी माँ के पास क्यों जाएंगे तो फिर ये बोली कि आपकी माँ तो सीरियस है मतलब उनको ज़रूरत है आदमी की और हमारी माँ मर चुकी है तो फिर वहाँ तो कोई भी कर सकता है पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनको किया जाए तो इसलिए हमको लगा कि नहीं लड़की बेस्ट है बेटर है हमारी पूरी लाइफ को अच्छे से समझ सकती है दुख सुख को झेल सकती है तभी हम इनसे शादी किए। तो आजकल के लौंडो अपना बीवी से ही सवाल करके शादी करना मतलब तो फिर लौंडिया पूछेगी हमारी माँ बीमार है तेरी माँ मर गई है तो किसके पास जाओगे। गलत कमेंट करने वाला अपना लौंडिया से पूछ लेना और तेवी लड़की लोग लौंडवा से पूछ लेना। तो फिर देखिएगा दोस्तों अपनी अपनी घरवाली से या गर्लफ्रेंड से समझ लीजिएगा कि किनके पास जाना है ताकि आपको भविष्य में एक अच्छी वाइफ मिल सके जीवन संगनी मिल सके और आपकी जीवन आगे तक ठीक ठाक से चल सके ताकि बीच में आपका रिश्ता टूटे नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल इनको लेकर थोड़ा सा पैर में इनका दर्द है समझे।